हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनामिका। कैसे हो आप सभी? सैटरडे का दिन है और सुबह का टाइम हो रहा है, आई थिंक 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और मैं यहाँ पे ना लंच की तैयारी कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट कम, लंच की तैयारी ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट पे हम लोगों ने ऐसे ही सैंडविच ले लिया था और वीकेंड था, आज हस्बैंड का ऑफिस नहीं था और कल रात को हमें सोते सोते है ना 3:30-4:15 हो गया था, क्योंकि हमने लाइट्स लगाई थी अपने मेन एंट्रेंस पे और थोड़े बहुत बैल्कनी में और थोड़े बहुत और चीज़ें करनी थी घर में करते करते। और गुगू को ना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो बस उसके साथ खेलते खेलते कब समय बीत गया समझ ही नहीं आया। और जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो फिर नींद ही नहीं आती है। और वो 2 बजे के आसपास गुगू सोया था और 3:45 के आसपास मुझे नींद आई थी। तो आज सुबह उठने में भी ना मैं तो 8 बजे उठ गई थी और हस्बैंड और गुगू आराम से, उन्होंने वो दोनों 9 बजे उठे थे। और उनके उठने के बाद यहाँ पे मैं बस बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ, लंच की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे निकलना था आज मार्केट जाना है मुझे, क्योंकि मुझे लेना है छठ के लिए सबके साड़ी। मैं अपनी सासू माँ, अपनी दादी सास, अपनी मम्मी और नानी चारों को मैं साड़ी देती हूँ छठ में। तो इस बार तो लेट हो गया, वैसे तो मैं दुर्गा पूजा ख़त्म होते ही मैं ले लेती थी, बट इस टाइम थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था इधर शिफ्टिंग को लेकर, फिर घर ठीक करना, हर चीज़ अरेंज करना, तो इसमें फिर टाइम ही नहीं मिला। और लेकिन आज मैं जा रही हूँ फाइनली कि आज जाकर के मैं साड़ी ले ही लेती हूँ। वैसे तो अभी नहीं दे पाऊँगी, अब तो छठ में ही दे पाऊँगी, छठ में जब जाऊँगी ससुराल तब जाकर के उनको दूँगी। फिलहाल यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय, और एक बार मैंने चाय पी ली थी सुबह में, हस्बैंड अभी उठे थे तो हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय बना रही थी। एक तरफ मैंने इधर बिठाया हुआ है सब्ज़ी, एक तरफ दूध बिठाया हुआ है, एक तरफ राइस बिठाया हुआ है, तो सारी चीज़ें फटाफट से कर रही थी कि हम लोग इकट्ठे एक बार लंच लेकर के ही निकलेंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पता नहीं होता ना कि कहाँ जाना है और कितना जैम लगने वाला है। और मैं कोई प्लान करके मार्केट नहीं निकलती हूँ, मुझे लगता है कि मतलब चलो जहाँ पर जो अच्छी चीज़ मिल जाए वहाँ पर मैं चली जाऊँगी, तो कोई ऐसा मुझे ये नहीं रहता है कि मुझे इसी शॉप में जाना है, चाहे जो अच्छा मिल जाए मैं वहीं चली जाती हूँ। फिलहाल तो मुझे जाना था गुगू के लिए, उसके जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था 2 स्वेटशर्ट लिया था ना, वो उसका साइज़ फिट नहीं आ रहा है, तो मुझे वो थोड़ा एक्सचेंज भी करना था। और यहाँ पे जो गुगू का सारा टॉयज़ है ना मैंने रूम में अरेंज कर दिया है, क्योंकि पूरे लिविंग एरिया को वो हर वक्त बिखरा हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ना रूम में ऐसे रख दिया है ताकि वो रूम में ही जितना बिखेरना है बिखेरो, फिर मैं एक बार मॉर्निंग में ठीक करती हूँ, एक बार इवनिंग में ठीक कर देती हूँ। फिलहाल यहाँ बन रही है मेरी चाय, तो एक बार मैंने चाय पी ली थी, ये दूसरी वाली चाय है। और फिर चाय वाय पीने के बाद नहा वहा कर रेडी होकर के फिर हमने लंच लिया, और लंच वंच लेने के बाद फिर हम निकल गए थे मार्केट। और मार्केट में मैंने क्या क्या लिया है वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे बन रही है राइस और इधर भी बन गई थी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी ना कुकर में बना लो तो फटाफट से बन जाती है, तो यहाँ पे बन गई है सब्ज़ी। अच्छा, हम लोग है ना वी बाज़ार आ गए थे क्योंकि मुझे गोगो का स्वेटशर्ट एक्सचेंज करना था। तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो मैंने लेडीज़ सेक्शन को एक्सप्लोर नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा लेडीज़ सेक्शन देख लेते हैं कि कैसा कैसा कलेक्शन आया हुआ है। जैसे ही मैं एंट्री की तो मुझे सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी साड़ीज़ के कलेक्शन पर, और बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पर साड़ीज़ अवेलेबल थी। और ये 2 साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, कॉटन फैब्रिक में था, तो कॉटन में ना इस तरीके के डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे यूनिक लगा, तो ये दोनों को मैंने थोड़ा साइड कर लिया था कि मैं मम्मी और सासू माँ के लिए ही ले लूँगी। बट इसमें ना फिर कुछ टैसल्स लगे हुए थे जिससे मेरी सासू माँ को थोड़ा सा इचिंग प्रॉब्लम होने लगता है, तो इस वजह से फिर मैंने ये नहीं लिया। और बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन आए हुए थे, बनारसी का बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन था, तो ये सारे देखो ये बनारसी के कलेक्शन हैं। और बहुत ही एथनिक वेयर में बहुत ही अच्छे अच्छे वेराइटीज़ थे यहाँ पर, तो मैंने सोचा चलो मार्केट जाने से अच्छा है एक ही जगह से इकट्ठे सामान ले लो। और कॉटन की जितनी भी कलेक्शन आया हुआ था ना वो उसमें से मैक्सिमम आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, क्योंकि हम लोग लेट भी हो गए थे और छठ की जो शॉपिंग होती है बहुत लोगों ने बहुत पहले कर ली होगी, तो इसलिए फिर हमने हैंडलूम देखा, तो हैंडलूम की कुछ साड़ीज़ मैं लेकर के आई हूँ। और वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा पाव भाजी खाने आ गए, तो यह घोड़िया बाज़ार का पाव भाजी बहुत ही फेमस है। और फिर ये खाने वाने के बाद फिर हम निकल गए थे थोड़ा सा बैंगल्स के लिए, बैंगल्स की शॉपिंग के लिए, तो ये बैंगल्स भी बहुत ही अच्छे अच्छे आए हुए हैं अभी मार्केट में, बहुत ही प्यारे प्यारे बैंगल्स अवेलेबल हैं अभी, तो मैंने यहाँ से कुछ लिया है वो मैं आपको घर जा करके दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग,
मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है संडे और धनतेरस आज हम लोग मना रहे हैं। कुछ लोगों ने कल मनाया है, कुछ लोग आज मना रहे हैं। तो सारा जो फेस्टिवल है वो दो दो दिनों का हो रहा है। और कल मेरे मतलब सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैंने ऑयलिंग वगैरह किया, आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बाहर इतना पॉल्यूशन है, मार्केट जाने का भी अब दिल नहीं होता है। और फिर कहते हैं कि सारा पॉल्यूशन क्रैकर से ही होता है, और मतलब दिवाली से पहले ही इतना पॉल्यूशन है, मतलब पूरे रास्ते में इतनी धूल इतनी मिट्टी है, और मतलब बिना मास्क के तो आप जा ही नहीं सकते। और अभी सुबह का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं और मैं फटाफट से बना रही हूँ नाश्ता। और कल हम लोग क्या क्या लेकर के आए हैं वो मैं आपको सारा चीज़ दिखा देती हूँ। तो कल अगेन हम लोग गए थे वही वी बाज़ार, कैसी साड़ीज़ लेकर के आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी से। और बड़ा अच्छा लग रहा है, चारों तरफ लाइट्स, दिवाली का जो वाइब्स होता है बहुत ही अच्छा होता है। इस बार ना मैं ये साड़ी जो शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। हर बार मैं छठ में अपनी सासू माँ, अपनी दादी सास, मेरी मम्मी, मेरी नानी, चारों को मैं देती हूँ साड़ीज़ छठ के लिए। और वहाँ पे भी मैं जब लेडीज सेक्शन में गई, लास्ट टाइम मैं लेडीज सेक्शन में नहीं गई थी, जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पर मुझे बहुत सुंदर सुंदर साड़ीज़ देखने को मिली। तो मैंने उनसे पूछा कि छठ का भी कलेक्शन आया है, तो उन्होंने दिखाया कुछ कलेक्शन। कॉटन साड़ीज़ भी बहुत अच्छे अच्छे थे, कुछ तो निकल गए थे क्योंकि वही होता है, अच्छी साड़ियाँ जल्दी निकल जाती हैं। तो कुछ एक दो कॉटन मुझे साड़ी अच्छी लगी थी, जो मैंने इसके पहले वीडियो डाला भी होगा, एक पिंक और एक रेड में था, बहुत सुंदर साड़ी था। हस्बैंड ने बोला पहले यही लेने के लिए, बट उसमें ना टैसल्स वगैरह लगे हुए थे, तो उससे मेरे सासू माँ को ना इचिंग प्रॉब्लम होने लगती है। तो फिर हमने सोचा कि चलो छोड़ो ये नहीं लेते हैं। फिर कॉटन में और कुछ समझ नहीं आया, फिर हमने हैंडलूम की साड़ीज़ देखी और हैंडलूम की साड़ीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चारों साड़ीज़ जो मैंने ली है ना, सेम फैब्रिक की ली है और चारों की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, फैब्रिक बिल्कुल सेम है। तो हैंडलूम की साड़ी ही मैंने इस पर चारों के लिए लिया है। और फिर हम गए बैंगल्स लेने के लिए, तो वो भी बैंगल्स मैं आपको दिखाती हूँ। तो छठ पूजा के लिए अभी अच्छे अच्छे कलेक्शंस आए हैं। इस बार मैं लेट हो गई, हर बार तो मैं दुर्गा पूजा के बाद ही ले लेती थी और मतलब सासू माँ को दे देती थी। मम्मी तो अभी है नहीं, वो आएंगे तो मैं उनको दूंगी, और मैं छठ में मैं जाऊँगी तभी मैं सासू माँ को दूंगी। तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं कि कैसी साड़ी मैं लेकर के आई हूँ। बैक कैमरा से आपको दिखाऊंगी ताकि आपको ना मतलब साड़ी की जो कलर्स हैं वो अच्छे से समझ में आए, फ्रंट से अच्छे से कलर्स समझ में नहीं आते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये है कुछ साड़ीज़ जो मैं कल लेकर के आई हूँ, और सारी हैंडलूम की साड़ीज़ है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये ली है मैंने अपनी सासू माँ के लिए। कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लगा, और रेड कलर की साड़ी है और उसके ऊपर ऐसा बॉर्डर बना हुआ है। सारी साड़ीज़ में ना इस तरीके के मतलब प्लेट्स में ये आता है पल्लू, मैं इसका नहीं खोल रही हूँ, पल्लू भी इस तरीके का पल्लू है। और कलर में मुझे बहुत प्यारा लगा, तो छठ ये सब में ना पूजा में ऐसे थोड़े ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं। ऐसी एक और साड़ीज़ नहीं थी, नहीं तो मैं मम्मी के लिए भी सेम ही साड़ी लेती, बट ऐसी साड़ी नहीं थी। और तो ये वाली साड़ी ना मैंने अपनी सासू माँ के लिए लिया है, और ये साड़ी है मेरी दादी सास के लिए। ये भी ग्रीन कलर की साड़ी है, इसके साथ इस तरीके का बॉर्डर है और पल्लू में भी इसी तरीके का डिज़ाइंस है। तो मैं भी पल्लू नहीं खोल रही हूँ, और पूरे प्लेट्स में ना ऐसा आता है। और ये है ग्रीन, ब्लू, और इसमें कुछ ऐसे मल्टी कलर्स भी हैं इसके बॉर्डर में। और ये है मेरी दादी सास के लिए साड़ी, कलर मुझे बहुत प्यारा लगा ये वाला। और ये मैं लेकर के आई हूँ अपनी नानी के लिए, और नानी और दादी का साड़ी बिल्कुल मतलब सेम ही है, कलर बस अलग हैं। और इसके भी ऐसे बॉर्डर्स हैं, इतने मल्टी कलर्स में हैं कुछ, और इसके प्लेट्स में कुछ ऐसा आता है, पल्लू भी इसी टाइप का है। गुड मॉर्निंग बबू। और ये है मेरी नानी की साड़ी, और ये साड़ी मैंने ली है मम्मी के लिए। तो ग्रीन कलर की साड़ी है, और उसके साथ जो है ना ऐसे ही बॉर्डर्स मिल रहे हैं, पिंक कलर का बॉर्डर है, पल्लू में भी यही आ रहा है, और पूरे साड़ी के प्लेट्स में ऐसा डिज़ाइन है। तो ये कुछ ऐसी साड़ी है, और ये है मेरी मम्मी की साड़ी। तो ये जो है मैं चार साड़ीज लेकर के आई हूँ। अब जो है मैं आपको दिखा देती हूँ बैंगल्स। तो मैं कैसी बैंगल्स लेकर के आई हूँ, छठ पूजा के लिए ना बहुत अच्छे अच्छे बैंगल्स आए हुए थे। तो एक पेयर मैंने ये लिया है, एक मैंने ये लिया है, एक ये बैंगल्स लेकर के आई हूँ सेट, एक ये लेकर के आई हूँ, सारे मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे लगे थे। और
ये मैं अपने लिए लेकर के आई हूँ। मैं ऐसे पतले पतले बैंगल्स डालती हूँ, तो इसके पहले ना मैंने इसका ब्लू लिया था, बट अभी ब्लू नहीं था, तो ये कुछ मरून कलर का ये बैंगल्स है, तो मैं ये अपने लिए लेकर के आई हूँ। और एक ये लेकर के आई हूँ, तो ये तो दादी के लिए लेकर के आई हूँ। दादी को ना छोटे साइज़ आते हैं, और दादी की साड़ी भी ऐसे ग्रीन ही है, तो ग्रीन कलर की मैं ये लेकर के आई हूँ। तो ये तो हो गए कुछ बैंगल्स, फटाफट से मैं इसको अब समेटती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। धनतेरस का जो भी रिचुअल्स है वो आज हम फॉलो करेंगे। मैक्सिमम लोगों ने कल ही सेलिब्रेट कर लिया था धनतेरस, और आज हमें करना है, तो काम बहुत सारा है, टाइम बहुत ज़्यादा कम लग रहा है मुझे। तो अभी तो 10 बजे हैं सुबह के, और मेरा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है, बस मैंने अभी थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन मैंने करी है, और फिर थोड़ा मुझे मार्केट भी निकलना है, बहुत सारा काम है। और जब तक ये ब्लॉग आएगा आई थिंक वो दिवाली रहेगा, या फिर दिवाली भी खत्म हो चुकी होगी। तो अभी से मैं सारे अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। एंड मैं धीरे धीरे ये वीडियो को एडिट करूंगी, अपलोड करूंगी, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है। इस बीच में एडिटिंग करना भी एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, तो देखती हूँ जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं एडिट करती जाऊँगी। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अनामिका मिलेगी आपसे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। चलते हैं, बाय बाय, बाय बाय।